एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू Adda247 ऑनलाइन स्कूल. और हम कर रहे हैं आपके एग्जाम्पलर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो हम हैं एक्सरसाइज 6.3 पे एग्जाम्पलर के, और इसका क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. और इसको जिस तरीके से फिगर दे रखे हैं ये क्वेश्चंस के, इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 5th किया, और ये क्वेश्चन नंबर 6th है. तो देखिए जो फिगर्स दे रखे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से आपको दे रखे हैं कि यहाँ पर आपको कुछ सोचने की ज़रूरत पड़ती है. तो देखिए आपको कह क्या रखा है कि बी ए इस पैरेलल टू ई डी, ठीक है, बी ए और ई डी पैरेलल है, और बी सी इस पैरेलल टू ई एफ, बी सी और ई एफ आपके पैरेलल हैं, और आपको शो करना है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. दोनों एंगल्स ऐड होकर के सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं. तो देखिए कैसे करेंगे, आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे गिवन की. क्वेश्चन को करने का सेम फॉर्मेट रखिएगा, जिस फॉर्मेट में चलना है, जो फॉर्मेट मैंने आपको सिखाया है. गिवन सबसे पहले लिखना है, फिर टू प्रूव आपको क्या प्रूफ करना है, उसके बाद आपको प्रूफ पर आना है. सो देखिए गिवन क्या क्या है कि बी ए इज पैरेलल टू ई डी, ये आपको दे रखा है. बी सी इज पैरेलल टू ई एफ, ये आपको दे रखा है. प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ की अगर हम बात करें, तो देखिए टू प्रूफ की बात करें तो आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 180 डिग्री. प्रूफ पर आ जाते हैं कैसे करेंगे इसका प्रूफ. तो देखिएगा अगर डी ई को मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं, अगर डी ई को मैं आगे प्रोड्यूस कर दूं और ये बी सी लाइन को मीट करे, मान लीजिए ये बी सी लाइन को मीट कर रही है पॉइंट जी पर, ठीक है, ये बी सी लाइन को मीट कर रहा है पॉइंट जी पर. तो देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा, एंगल डी जी सी, एंगल डी जी सी और एंगल डी ई एफ दोनों ऐड होकर के सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे. ठीक है, क्यों 180 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, सो आ जाते हैं इस पर. देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रोड्यूस ई डी, ई डी को प्रोड्यूस किया है, प्रोड्यूस ई डी सच दैट, प्रोड्यूस ई डी सच दैट इट इंटरसेक्ट, इट इंटरसेक्ट बी सी एट जी, ताकि ये बी सी को कहां पर इंटरसेक्ट कर सके, जी पर इंटरसेक्ट कर सके. तो अब देखिएगा सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, एंगल ए बी सी और एंगल डी जी सी कह लीजिए या ई जी सी कह लीजिए, ठीक है, कोई सा भी एंगल कह लीजिए, ये दोनों ही एंगल्स कैसे होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों ही एंगल कैसे होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे. क्यों, क्योंकि ए बी और डी ई पैरेलल है, तो ए बी और ये ई जी भी पैरेलल हो गए. ठीक है, चलिए ये भी लिख लेते हैं, इसको भी मेंशन कर देते हैं, सिंस ए बी इज पैरेलल टू डी ई, ठीक है, ए बी डी ई के पैरेलल है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू जी ई, ए बी जी ई के भी पैरेलल होगा, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ई जी सी, ई जी सी एंगल कह लीजिए, ठीक है, या डी जी सी एंगल कह लीजिए, एक ही बात है. क्यों, कौन से एंगल्स हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए ये आपके, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए आपके ये. और देखिए यहाँ पर भी मेंशन करेंगे, लाइन पैरल, लाइंस पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू इच अदर, यहाँ पर भी मेंशन करना मत भूलिएगा, लाइंस पैरल टू द सेम लाइन आर पैरल टू ईच अदर. ठीक है, इसको, ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. चलिए इसको इक्वेशन 1 मान करके रख लेते हैं अपने पास, आगे भी अभी जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की. और एंगल ई जी सी और एंगल जी ई एफ, या कह लीजिए एंगल डी ई एफ और एंगल डी जी सी, एंगल डी ई एफ प्लस एंगल
DGC क्या होंगे? देखिए दोनों ही एंगल्स सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, ऐड होकर के 180 डिग्री देंगे. क्यों देंगे? एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस के सेम साइड पर ये दोनों एंगल्स हैं, ऐड होकर के 180 डिग्री देंगे. डीजीसी एंगल को आप ईजीसी एंगल भी लिख सकते हैं. वही बात हो जाएगी, चाहे मैं डीजीसी कहूं या मैं ईजीसी कहूं, एंगल तो यही कवर हो रहा है. आगे बढ़ जाते हैं, और ईजीसी एंगल हमारा एंगल एबीसी के इक्वल आया है. ईजीसी एंगल हमारा एबीसी एंगल की इक्वल है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं. 180 डिग्री, ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम, या इसको यहाँ पर हमने मेंशन, हमने प्रूफ कर ही दिया है, तो यहाँ पर हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है. और ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया, एंगल DEF प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री.